गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यू टॉपिक रेस्पिरेशन इन दैट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि दो स्टेप्स होती हैं रेस्पिरेशन की एक को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरे को हम इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्योंकि सेल सेल के अंदर परफॉर्म होती है इसलिए इसे हम इंटरनल या सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की होती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन आर देयर देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरीके की सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती हैं एरोबिक एंड एन एरोबिक नाउ वी डिस्कस अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन टेक थ्रू ब्रीदिंग टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वॉट डज इट मीन मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है बाई यूजिंग ऑक्सीजन तो आप अगर शॉर्ट में इसको कहना चाहेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये ऑक्सीजन कहाँ से ली जाती है एटमोस्फियर से ली जाती है बाई द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग तो एरोबिक रेस्पिरेशन की मीनिंग हुई ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब फूड कंप्लीटली डाउन हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के समय एनर्जी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है अगर कोई भी मॉलिक्यूल पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जा रहा है और हमें मालूम है कि उससे एनर्जी मिलने वाली है पूरी तरह से ब्रेकडाउन होने के बाद वो क्या रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अब बात आती है कि ये पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल में कहाँ कैसे परफॉर्म होती है कितने स्टेप्स में परफॉर्म होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली थ्री मेन स्टेप्स में परफॉर्म होती है पहले उन स्टेप्स के हम नाम समझ लेते हैं फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस के बाद सेकेंड स्टेप जो होती है वो क्रेप साइकिल जिसे कहते हैं और थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है टर्मिनल ऑक्सीडेशन लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादा डिटेल में तो आप क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे आपके लेवल पर ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन की गई हैं जैसे ग्लाइकोलिस की प्रोसेस में क्या होता है वॉट हैपन्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोमीन्स ग्लूकोज लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड क्या है स्टूडेंट ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका वन मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो वो टू मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में बदलता है पायरुविक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि थ्री कार्बन कंपाउंड से बना होता है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है इसमें थ्री कार्बन है प्रेजेंट हैं और इसके टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप होती है इसमें दो बातों को आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है आपको पता है कि अगर आप सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो सेल में साइटोप्लाज्म होती है सेल ऑगनील्स होती हैं न्यूक्लियस होती हैं वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं लेकिन ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप होती है वो कहाँ पर परफॉर्म होती है सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है ये पहली बात दूसरी चीज़ ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस डज़ दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुई जब ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है दिस पायरुविक एसिड गेट रीस्ड अप टू माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटो प्लाज्म से ये पायरुविक एसिड कहाँ पर पहुँच जाती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच जाती है क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं वाई डू वी कॉल इट एज पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑग्नील है जहाँ पर ए का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय एनर्जी रिलीज होती है और वो ए के फॉर्म में स्टोर होती है क्लियर अब दूसरी बात पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है पहुंच जाती है तब क्या होता है ऑन गेटिंग ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग की प्रोसेस से एटमोसफियर से ली गई है ये ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और ये ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है और सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और थर्टी एट का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट ये ए एनर्जी के फॉर्म में बनती है और ए के फॉर्म में स्टोर हो जाती है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है थर्टी एट का फॉर्मेशन हुआ है स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर जो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन ए में और सिक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हुआ है इस स्टेप में मैंने दोनों ही स्टेप को इंक्लूड कर दिया है क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन क्योंकि अगर मैं अलग अलग इसको एक्सप्लेन करूंगी तो आपके लेवल पर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में होता है और साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करके पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेकडाउन होकर ए का फॉर्मेशन करती है ए टी पी कहाँ पर स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है इट मीन्स कि एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है अब आप ध्यान देने वाली बात आपको क्या है कीप इट इन योर माइंड दैट एरोबिक रेस्पिरेशन अगर सवाल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ परफॉर्म होती सेल में तो आपका आंसर होगा एरोबिक एरोपीरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि आपने ये देखा कि साइटोप्लाज्म में कुछ स्टेप्स हो रही हैं कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है क्लियर दिस पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स कहते हैं क्या कहते हैं एरोब्स के नाम से जानते हैं एनिमल्स ह्यूमन बींग्स प्लांट्स ये सभी एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं क्लियर ऐसे बहुत से एनिमल्स की कैटेगरी होगी जो एन एरोब्स भी होंगे लेकिन मैं यहाँ पर हायर एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स की बात कर रही हूँ क्लियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन एन एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के साथ साथ इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होने से रिलीज क्या होती है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंप्लीटली मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ द प्रोसेस ऑफ इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है क्योंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में नहीं होता है क्यों ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज को कम्प्लीट ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है उनसे हमेशा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है तो ऐसी प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स एनरोब्स कहे जाते हैं जैसे ईस्ट आपको मालूम है ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगस है ईस्ट के मेंबर्स जो होते हैं वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं कुछ बैक्टीरिया का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम सॉयल में पाए जाने वाली फ्री बैक्टीरिया होती है लेक्टोबेसिलस लेक्टोबेसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाली बैक्टीरिया होती है और अगर हम बात करें पैरासाइट्स की वो पैरासाइट्स जो अपनी बॉडी होस्ट की बॉडी में रहते हैं उन पैरासाइट्स में भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है क्लियर दिस पॉइंट इसके अलावा हम बात करेंगे मसल सेल की मसल सेल आल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन इन द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहां पर हमने डिस्कस किया इन एग्जांपल्स में हमने बताया कि एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं लेकिन हमारी बॉडी की मसल सेल या हायर एनिमल्स की जो मसल सेल होती हैं जनरली वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं लेकिन जब किसी भी रीजन की वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है सेल्स में कौन सी सेल्स में मसल सेल्स में उस समय वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन की शॉर्टेज किस समय बेसिकली uh, हो जाती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज या वर्क जब आप डिफ़िकल्ट वर्क करते हैं या बहुत तेजी तेजी से एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी मसल सेल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है और ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं अब बात आती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगहों पर हाफ ऑफ परफॉर्म होती हैं लेकिन एनोरोबिक रेस्पिरेशन कम्प्लीटली कहाँ पर परफॉर्म होता है सेल के साइटोप्लाज्म में क्यों क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर इसकी स्टेप्स होंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्टेप्स परफॉर्म करता है और क्योंकि ये सारी प्रोसेस बिना ऑक्सीजन की मदद से हो रही है तो ये पूरा का पूरा कहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में क्लियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन की एन एरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है टू टाइप्स की होती है किस बेसिस पर हमने इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है उसके आधार पर हम दो तरीके से इसको डिवाइड हमने किया है वन इज द लैक्टिक एसिड फॉरमेंटेशन एन अदर वन इज एल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन स्टूडेंट्स हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और टाइप्स में हमने लिखा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो ये फर्मेंटेशन एक नया वर्ड है आपके लिए समझते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है फॉर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि बॉडी में परफॉर्म होती है इन विच ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट Gets broken down to release energy in the absence of oxygen by the action of enzyme. इसका मतलब ये जो definition आप फर्मेंटेशन के लिए पढ़ रहे हैं ये definition तो आपने anaerobic respiration में भी पढ़ा है It means कि फर्मेंटेशन और एन एरोबिक रेस्परेशन जो हम यूज़ करते हैं both the terms are basically similar. ठीक है फर्मेंटेशन क्या है एक स्लो केमिकल चेंज होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होता है एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो अब आप डोंट बी कंफ्यूज कि फर्मेंटेशन क्या है रेस्पिरेशन क्या है एन एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन बेसिकली ये सिमिलर टर्म्स ही हैं अब इनके टाइप्स पर आते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की क्या मीनिंग है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एल्कोहल में यानी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना लेकिन हमने अभी तक प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा प्रोडक्ट्स की बात अगर आती है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म तो करें लेकिन वो ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन उनकी बॉडी सेल्स किस में करें अल्कोहल में करती है और कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं कुछ अदर प्रोडक्ट्स में ऑब्वियसली एनर्जी भी रिलीज़ होगी मे बी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा तो ऐसे फर्मेंटेशन को ऐसे एनरोबिक रेस्पिरेशन को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह कहते हैं इसको फिर से क्लियर कर लीजिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स में इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन तो होती हैं लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाती हैं अल्कोहल का फॉर्मेशन करती हैं अलोंग विथ एनर्जी अब बात करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं ईस्ट अभी आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट का एग्जाम्पल देखा था ईस्ट जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है यानी ईस्ट एक एन एरोब है और वो फर्मेंटेशन करता है जिस किस समय बियर वाइन विस्की ये बी के फॉर्मेशन के समय ईस्ट को यूज़ किया जाता है क्योंकि ईस्ट अपनी बॉडी सेल्स में ग्लूकोस को ब्रेक डाउन करती हैं पहले पाइरुविक एसिड में और ये पाइरुविक एसिड जो है फिर ब्रेक डाउन होती हैं इथाइल अल्कोहल में इस पूरे स्टेप को स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझिए व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस गेट्स ब्रोकन डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है दिस स्टेप इज कॉमन आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप पढ़ी थी और आप एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप पढ़ रहे हैं क्योंकि एरोबिक और एन एरोबिक दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप होती है वो कॉमन होती है और वो ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म में ही हमेशा परफॉर्म होती है जब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो पायरुविक एसिड माइटो

एच ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है क्लियर स्टूडेंट तो अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्ट बना है एनर्जी के साथ इथाइल अल्कोहल अब कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ईस्ट इसी तरीके से हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा एज द नेम सजेस्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इट मींस एक ऐसे तरीके का इनरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर शुगर मीन्स ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं इन टू लैक्टिक एसिड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये प्रोसेस मैंने आपको समझाई कि ये भी एक एन रेस्पिरेशन है तो इसमें भी ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा लेकिन इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होने के बाद एल्कोहल बनाने के बजाय ये लैक्टिक एसिड बनाता है ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये डिपेंड करती हैं कि एनरोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिज्म में हो रही है अगर ये ईस्ट की बॉडी में हो रही है तो वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगी अगर ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही है कि ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म में हो रही है चलिए देखते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी हैं। जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन सी बैक्टीरिया परफॉर्म करती है लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया जो कि मिल्क की शुगर को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में जिससे मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जो प्रोसेस होती है उस समय लेक्टोबेसिलस बैक्टीरिया मिल्क की शुगर को ही किस में कन्वर्ट कर रही होती है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है जिसकी वजह से मिल्क की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक हो जाती है और वो कर्ड में चेंज हो जाता है इस एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इन मसल सेल आपको पता है कि हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स की मसल्स होती हैं जिनमें से हम बात कर रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स की स्ट्राइटेज स्ट्राइटेड मसल्स की जो बॉडी होती है सेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन की जब शॉर्टेज हो जाती है कब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज और हैवी वर्क जब हम डिफ़िकल्ट वर्क करते हैं बहुत वर्कलोड हमारे ऊपर होता है और हम फास्ट वर्क करते हैं उस समय हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो कौन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शॉर्टेज हो जाती है जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म करना शुरू करती हैं। तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए बैक्टीरिया हमेशा ये परफॉर्म करेगी, लेकिन हमारी मसल्स की जो सेल्स होती हैं जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं वो तब परफॉर्म करेंगी जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी जनरली मसल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं लेकिन जब किसी कंडीशन में कंडीशन लगाई गई है हेवी एक्सरसाइज डिफिकल्ट वर्क उस समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है और वो मसल्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लगती हैं स्टूडेंट्स इसके रिएक्शंस को देख लेते हैं ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विदाउट ऑक्सीजन ये पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिला है बिकॉज दिस स्टेप इज कॉमन इन ऑल फॉर्मेशन कर रहा है यह भी स्टेप साइटोप्लाजमे परफॉर्म हो रही है ऑक्सीजन यहां पर प्रेजेंट नहीं है लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन की यह स्टेप्स है क्लियर स्टूडेंट्स अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है वाई डू आर मसल सेल्स समटाइम परफॉर्म लैक्टिक एसिड परफॉर्म फॉर्मेंटेशन हमारी जो मसल सेल हैं वो कभी कभी यानी ड्यूरिंग विगरेस वर्क जब हम हैवी वर्क करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग डिफिकल्ट फिजिकल एक्टिविटीज आर बॉडी नीड्स मच एनर्जी जब आप तेज तेज काम करते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू फुलफिल फास्टर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी आर मसल सेल्स स्टार्ट टू रिस्पायर एंड एरोबिकली बिकॉज मसल सेल्स डोंट गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एनर्जी की कि ऑक्सीजन उस रेट से हमारी मसल सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती हैं जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो रही हैं तो मसल सेल एनर्जी रिलीज करने का एक और रास्ता ढूंढ लेती हैं और वो रास्ता है कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देती हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट होने की वजह से हमारी मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगती है जिसकी वजह से मस्क्यूलर क्रैम्स होती हैं पेन होती हैं हमारे मसल्स में जब हम हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्क करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होती है दर्द होता है ड्यू टू द एक्ूमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती है ऑक्सीजन मिलने की वजह से तो ये लैक्टिक एसिड कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाती है लेकिन जब तक लैक्टिक एसिड बनी रहती है हमारी मसल सेल्स में तब तक मसल्स को क्या होती हैं पेन फील होती हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्टूडेंट आज के वीडियो में जो भी मैंने समझाया आई थिंक कि मुझे वो आपको वो समझ में आ गया होगा कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट में मुझे बताइए थैंक यू स्टूडेंट्स